करीब 45% रेवेन्यूज यूएस मार्केट से, जर्मनी से और चाइनीज मार्केट से आता है. थोड़ा सा टर्मोइल्स इन स्पेसेस में है. सो टू थिंग्स टू नो अबाउट मदर्स एंड शूमी शेयर. तो अगर आपके पास मदर्स एंड शूमी का शेयर है, अगर आप सोच रहे कि इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, तो आपके लिए ये दो चीजें जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 2020 में कंपनी का विजन ऐसा रखा है कि कंपनी अपने रेवेन्यू को यहाँ पे 4 गुना करने वाला है और साथ ही साथ कंपनी का बहुत सारा वर्टिकल के अंदर एंट्री भी यहाँ पे मारने वाला है. अगर कंपनी का रेवेन्यू को यहाँ पे 4 गुना करना पड़ेगा तो कंपनी अपना जो बिजनेस है उसको अलग वर्टिकल के अंदर निकालना भी पड़ेगा. तो उसी को फॉलो में, जैसे कि यानी कि उसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी यहाँ पे कुछ नया बिजनेस के अंदर एंट्री मार चुके हैं. क्वार्टर 2023 रिजल्ट के अनुसार जो कंपनी 18,000 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था, उसमें से नया जो सीडिंग बिजनेस है उसके उसमें से कंपनी 1,753 करोड़ का रेवेन्यू कमाया है. तो जैसे कि स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, कंपनी की अलग अलग वर्टिकल के अंदर एंट्री मारना, जैसे कि इलेक्ट्रॉन के अंदर, लाइटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, मेडिकल इक्विपमेंट के अंदर, एयरोस्पेस के अंदर, लॉजिस्टिक के अंदर एंड सर्विसेज कुछ प्रोवाइड करता है कंपनी. तो इसीलिए इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर कंपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है. तो ये जो सेलिंग बिजनेस है उसमें से आप जो मार्केट शेयर कंट्रीब्यूशन है, सॉरी रेवेन्यू के अंदर कंट्रीब्यूशन है, वो आप देख पा रहे हैं. उसमें से जो नॉन ऑटो बिजनेस है उसका जो रेवेन्यू परसेंटेज है वो है 21.5%. उसमें से एरोस्पेस का कितना है, जो एयरलाइंस के अंदर काम काज करता है, तो है 14.2% रेवेन्यू वहां से कमाता है. और ये अदर्स कैटेगरी के अंदर जो कंपनी का मेडिकल इक्विपमेंट बनाने का काम करना चालू कर दिया है, उसका यहाँ पे परसेंटेज आप देख पा रहे हैं. तो ये अच्छी बात है एज अ मदर्स एंड शूमी शेयर कि नया नया इंडस्ट्री के अंदर कंपनी ने एंट्री मारे हैं, जहां पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ कंपनी को नजर आ रहे हैं. और कंपनी एज अ ऑटो एंसिलरी एज अ लीडर कंपनी होने के साथ साथ इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर भी लीडर बनने का कोशिश कंपनी करता रहेगा. जो ऑर्डर बुक है वो 16.1 बिलियन से 18.2 बिलियन हो गया है और टोटल बुक बिजनेस 33.9 बिलियन यूरोस है. दूसरा जो बात है वो आपको मदर्स एंड शूमी के अंदर देखना चाहिए, वो है कंपनी का ऑर्डर बुक. अगर कंपनी का ऑर्डर बुक को ध्यान से देखेंगे तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिलेटेड कंपनी का मार्केट शेयर है वो यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहा है. तो मार्च 2022 कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक था 16.1 बिलियन यूरो, वहां पे कंपनी का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिलेटेड जो ऑर्डर था वो 27% था. तो सितंबर 2022 में ये बढ़ के हो गया है 37% और कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो भी 18.2 बिलियन यूरो में पहुंच गया है. तो जो टोटल ऑर्डर बुक है वहां पे भी ग्रोथ है, कंपनी का ईवी जो ग्रोथ है वहां पे भी ग्रोथ है. अगर आप टोटल ऑर्डर बुक की बात करेंगे, बुक जो बिजनेस कंपनी ने किया है वहां पे भी ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रोथ है. और लेटेस्ट कितना है 33.9 बिलियन यूरो का. तो कंपनी ऑर्डर बुक के मामले में भी बहुत बढ़िया कर रहा है और कंपनी जो नया नया बिजनेस के अंदर एंट्री है वहां पे भी बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने को कंट्रोल में लेके आ रहे हैं. तो ये दो चीज के ऊपर आपको नजर रखना चाहिए अगर आप आपने लॉन्ग टर्म के लिए मदर्स एंड शूमी के अंदर पैसा लगाया है. तो हालांकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन रिसर्च करने के बाद ही आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं. वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए. आज वीडियो में इतना ही. सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो.